प्रज्ञा अपनी ही प्रशंसा कर रही है, वह अपने लोगों के बीच अपना ही गुणगान करती है। वह सर्वोच्च की सभा में बोलती है और उसके सामर्थ्य के सामने अपना यश गाती है। वह उसकी प्रजा के बीच गौरवान्वित और संतों की सभा में प्रशंसित है। वह चुने हुए लोगों के बीच अपनी स्तुति करती और यह कहते हुए अपने को धन्य कहती है, मैं प्रभु के मुख से निकली, सबसे पहले मेरी सृष्टि हुई, मैं अखंड ज्योति के रूप में आकाश में प्रकट हुई और मैंने कोहरे की तरह समस्त पृथ्वी को ढक लिया, मैंने ऊंचे आकाश में डेरा डाला, मेरा सिंहासन बादल का खंभा था, मैंने अकेले ही आकाशमंडल का चक्कर लगाया और महागर्भ की गहराई का भ्रमण किया, मुझे समुद्र की लहरों पर, समस्त पृथ्वी पर, सभी प्रजातियों और राष्ट्रों पर अधिकार मिला, मैं उन सब में विश्राम का स्थान ढूंढती रही, मैं किसके यहाँ निवास करूं, तब विश्व के सृष्टा ने मुझे आदेश दिया, मेरे सृष्टिकर्ता ने मेरे रहने का स्थान निश्चित किया, उसने मुझसे कहा, याकूब में डेरा डालो, इज़राइल में निवास करो और मेरी प्रजा में जड़ पकड़ो, उसने आदि में युगों से पहले मेरी सृष्टि की थी और मैं अंतकाल तक बनी रहूंगी, मैं उसके सामने पवित्र मंदिर में सेवा करती रही और इस प्रकार सियोन मेरा निवास बन गया है, मुझे परम प्रिय नगर में विश्राम मिला, यरूशलेम मेरा अधिकार क्षेत्र बन गया है, एक गौरवशाली राष्ट्र में, प्रभु की भूमि में, उसकी अपनी प्रजा में मेरी जड़ जम गई है, मैं लेबनान के देवदार की तरह बढ़ती रही, हेरमोन की पर्वत श्रेणियों पर सनोवर की तरह, मैं एनगेदी के खजूर की तरह बढ़ती रही, यरीखो के गुलाब के पौधों की तरह, मैं मैदान में सुंदर जैतून वृक्ष की तरह, चौकों में चिनार वृक्ष की तरह बढ़ती रही, मैं दारचीनी, गुल मेहंदी और उत्कृष्ट गंधरस की तरह अपनी सुगंध फैलाती रही, गंधराल, लौंग, अगरू और मंदिर के लोबान के बादल की तरह, मैंने बलूत वृक्ष की तरह अपनी शाखाएं फैलाई, मेरी शाखाएं सुंदर और मनोहर है, मुझ में दाखलता की तरह सुंदर बेले फूट निकली, मेरी बॉडियों ने मनोहर और रसदार फल उत्पन्न किए, मैं मंगलमय प्रेम, श्रद्धा, ज्ञान और पावन आशा की जननी हूँ, मुझ में सन्मार्ग और सत्य का अनुग्रह, जीवन और सामर्थ्य की संपूर्ण आशा विद्यमान है, तुम सब जो मेरे लिए तरसते हो मेरे पास आओ और मेरे फल खाकर तृप्त हो जाओ, मेरी स्मृति मधु से भी मधुर है, मैं छत्ते से टपकने वाले मधु से भी वांछनीय हूँ, मेरी स्मृति मनुष्यों में सदा बनी रहेगी, जो मुझे खाते हैं उन्हें और खाने की इच्छा होगी, जो मेरा पान करते हैं वे और पीना चाहेंगे, जो मेरी आज्ञा का पालन करते उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा और जो मेरे निर्देशानुसार चलते वे नहीं भटकेंगे, जो मुझे आलोकित करते उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा, यह सब सर्वोच्च ईश्वर के विधान के ग्रंथ में लिपिबद्ध है, उस संहिता में जिसे मूसा ने याकूब की विरासत के रूप में हमें प्रदान किया है, उसने अपने सेवक दाऊद को राजा बना दिया और उसे सदा के लिए सम्मान के सिंहासन पर बिठाया, संहिता पिशोन नदी की तरह प्रज्ञा से परिपूर्ण है, नए फलों के समय दजला नदी की तरह व फरात नदी की तरह मन को आप्लावित करती, फसल के समय यर्दन नदी की तरह व नील नदी की तरह शिक्षा की बाढ़ बहाती है, दाख की फसल के समय गिहोन नदी की तरह प्रथम मनुष्य उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका,
और अंतिम मनुष्य उसकी था नहीं ले सकेगा, क्योंकि उसका भाव भंडार समुद्र से विस्तृत और उसके अभिप्राय महागर्त से गंभीर है। मैं तो नदी से निकली नहर के सदृश हूँ, वाटिका सींचने वाली नाली के सदृश। मैंने कहा, मैं अपनी वाटिका सींचूंगी, मैं अपनी क्यारियां पानी से भर दूंगी, और देखो मेरी नाली नदी के रूप में, मेरी नदी समुद्र के रूप में बदल गई। मैं अपनी शिक्षा उषा की तरह चमकाऊंगी और उसका प्रकाश दूर दूर तक प्रसारित करूंगी। मैं समस्त पृथ्वी में फैल जाऊंगी, सब सोने वालों का निरीक्षण करूंगी और सब प्रभु पर भरोसा रखने वालों को आलोकित करूंगी। मैं भविष्यवाणी की तरह अपनी शिक्षा प्रसारित करूंगी, उसे आने वाली पीढ़ियों को प्रदान करूंगी और उनके वंशजों में सदा बनी रहूंगी। तुम देखते हो कि मैंने ना केवल अपने लिए परिश्रम किया, बल्कि उन सब के लिए जो प्रज्ञा की खोज में लगे रहते हैं।